गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके, जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रांसमिशन मोड क्या क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। बेहद आसान है और छोटा सा लेक्चर है, बट बुनियादी लेक्चर है जो आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली ट्रांसमिशन मोड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सिम्प्लेक्स मोड, उसके बाद दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स मोड। तो आज हम ये देखेंगे कि ये तीनों का मतलब क्या है, राइट? तो कि ताकि एज एन इंजीनियर आपको ये बुनियादी बात पता होनी चाहिए कि भैया सिम्प्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सिम्प्लेक्स मोड। सिम्प्लेक्स मोड, देखिए सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड हम समझ लेते हैं। ट्रांसमिशन मोड मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी दो डिवाइसेस के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन या सॉरी डेटा का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है सिम्प्लेक्स मोड, दूसरा हो सकता है हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा फुल डुप्लेक्स। सिम्प्लेक्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कम्युनिकेशन एक दिशा से दूसरी दिशा यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है, तो सेंडर कभी भी रिसीवर नहीं बन सकता। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा यही होगी, ये एरो कभी इधर से इधर नहीं हो सकता, रिसीवर कभी इसको नहीं रिप्लाई कर सकता। सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा और रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है, राइट? तो इसको आप अगर कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में कहें तो क्लाइंट सर्वर मॉडल इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे सर्वर हमेशा सर्वर रहता है और क्लाइंट हमेशा क्लाइंट रहता है, राइट? या नॉर्मल अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं, तो जो आपका FM रिसीवर होता है जिससे आप गाने सुनते हैं, उससे आप हमेशा FM के सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, कभी भी रिप्लाई नहीं कर सकते। कभी कोई सिग्नल FM रिसीवर के थ्रू आप उन्हें नहीं भेज सकते जो आपको गाने सुना रहे हैं, रेडियो सिटी वाले या जो रेड FM वाले हैं हिंदुस्तान में। या फिर इसके अलावा आपका टीवी रिसीवर, आप अपने टीवी पर जितने सिग्नल आ रहे हैं उसे रिसीव कर सकते हैं, दैट इज ओनली रिसीवर। टीवी आपका एक काइंड ऑफ रिसीवर है, वो कभी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकता सोनी चैनल को या फिर स्टार प्लस को, वो हमेशा रिसीव करता है, तो वो रिसीवर कहलाता है। टीवी हमेशा रिसीवर होता है, FM हमेशा रिसीवर होता है, राइट? तो वो हमेशा रिसीव करने के लिए है, और जो ट्रांसमीटर एंड पे लगे हुए हैं टीवी स्टेशन पे, वो ट्रांसमीटर है, वो हमेशा ट्रांसमिट करेंगे, यानी सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा और रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा, वो कभी रिप्लाई नहीं कर सकता, राइट? और कभी सिग्नल इसको रिप्लाई में नहीं भेज सकता, तो ये रिसीवर होते हैं। अगर आप इनकी और आप सिम्प्लेक्स मोड में जाएं, तो आपका जो कीबोर्ड होता है वो भी क्या करता है, वो सिर्फ इनपुट देता है हमेशा आपके सिस्टम को, राइट? वो कभी भी कोई रेस्पॉन्स ले नहीं सकता, उसके पास कभी आएगा नहीं, वो हमेशा इनपुट ही देगा, राइट? वो हमेशा इनपुट देगा आपके सिस्टम को, सिर्फ टाइपिंग के काम आएगा। तो ये सब सिम्प्लेक्स मोड के एग्जाम्पल है, जहां पे एक बंदा सेंडर होगा एक बंदा रिसीवर होगा, ये पोजीशन कभी चेंज नहीं हो सकती, ये एरो हमेशा इधर से इधर की डायरेक्शन में ही रहेगा, सेंडर से रिसीवर की तरफ ही रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड सिम्प्लेक्स मोड। इसके बाद दूसरा मोड होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा, यानी दोनों डिवाइसेस सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे एक बंदा सेंड कर रहा होगा उस टाइम पे दूसरा बंदा सिर्फ सुन सकता है, वो सेंड नहीं कर सकता। यानी एक टाइम में अगर एक सेंड कर रहा है तो दूसरे को सुनना पड़ेगा, और उसके बाद वो जब उसकी बात खत्म हो जाएगी तब दूसरा बंदा बोलना शुरू करेगा और साइड वाला बंदा सुनेगा, राइट? सो ये इस कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये सेंडर है, यहां पे ये रिसीवर है, राइट? अब इसने इसको सिग्नल भेजा, इस टाइम पे ये सेंडर है, ये सेंडर भी हो सकता है रिसीवर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ये डिवाइस दोनों चीजें हो सकती है। इस केस में अभी ये डिवाइस ए है, इसको मैं डिवाइस बी बना देता हूं। अभी जब ये इसको कोई सिग्नल भेज रहा है तो उस टाइम पे ये सेंडर हो जाएगा, क्योंकि एरो इधर से इधर जा रहा है, इट मींस ये इसको सेंड कर रहा है, तो ये सेंडर हो जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा। जब एक बार इसकी बात खत्म हो जाएगी तब ये बंदा, अब इसको डिवाइस बी जो है ये इसको अपना सिग्नल भेजेगा और इधर से इधर, इस टाइम ये रिसीवर बन जाएगा
और डिवाइस ए और डिवाइस बी जो है वो सेंडर बन जाएगा, बट एक टाइम पे एक ही चैनल आपके पास अवेलेबल है, इस वजह से उस एक चैनल पे या तो आप सिग्नल को भेज सकते हो और दूसरे बंदे को सुनना पड़ेगा, और उसी चैनल के थ्रू जब इसकी बात पूरी हो जाएगी तो इसी चैनल पे, क्योंकि तार आपके पास एक ही है, आप ऐसे समझिए सड़क आपके पास एक ही है, उस पे या तो एक बंदा इधर से जा सकता है या एक बंदा उधर से आ सकता है, राइट, बट एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है। तो अब ये पहले अपना सिग्नल इसको भेजेगा, ये रिसीव करेगा, उसके बाद अपना सिग्नल ये इसको भेजेगा, ये रिसीव करेगा, वन बाय वन इनका मौका आएगा सिग्नल को भेजने का। सो दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, जहां पे एक साथ सिग्नल को सेंड और रिसीव नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ सेंडर रिसीवर की तरह काम कर सकता है, बट एट अ टाइम या तो वो सेंडर की तरह काम करेगा या रिसीवर की तरह, एक टाइम पे दोनों काम नहीं हो सकते, राइट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है वॉकी टॉकी, आपने देखा होगा जो पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी होते हैं सुनने के लिए, उस पे वो आवाज आती रहती है, या फिर जो फौज के अंदर फौजी होते हैं वो पहले एक सिग्नल भेजते हैं ओके आई एम ऑल राइट, और फिर वो बोलते हैं ओके एंड ओवर करके बोलते हैं ओके एंड ओवर, तो इसका मतलब अब उनकी बात पूरी हो गई है, अब वो वहां से सिग्नल को भेजेंगे, यानी वो अब बोलेंगे, जैसे ही वो बोलते हैं ओके एंड ओवर इसका मतलब इनकी बात पूरी हो गई, आप अब बोलिए अगर आपको कुछ बोलना है, फिर वो सुनेगा और सामने वाला बंदा उसको बोलेगा, फिर वो अपनी बात पूरी करके बोलेगा ओवर, तो इसका मतलब उसकी बात पूरी हो गई, फिर सामने वाला बंदा अपनी बात बोलेगा, राइट। तो इसमें दोनों बंदे बात कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही बोलेगा। अगर एक टाइम पे दोनों ने बात करी, जब ये बोल रहा है तब इसने भी बोलना शुरू कर दिया, तो सिग्नल क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, दोनों में से किसी की बात किसी को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जाने के लिए रास्ता एक ही था, दोनों जो सिग्नल है वो टकरा जाएंगे आपस में और खत्म हो जाएंगे, राइट। इसीलिए एक बंदा जब बोल रहा है तो सामने वाले को सुनना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। इसके बाद जो तीसरा हमारा टाइप है वो है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड, राइट। तो फुल डुप्लेक्स मोड में हम लोग जनरली क्या करते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब है बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, राइट, कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज शेयर्ड अमंग टू, यानी दोनों डिवाइसेस, एक डिवाइस ए है आपके पास और एक डिवाइस बी है आपके पास, दोनों डिवाइसेस एक टाइम पे सिग्नल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, राइट। यहां पे ये सेंडर की तरह भी काम कर रहा है और उसी टाइम पे रिसीवर की तरह भी काम कर रहा है, सिमिलरली ये सेंडर की तरह भी काम कर रहा है और रिसीवर की तरह भी काम कर रहा है, एक टाइम पे आप बोल भी रहे हो और दूसरे की बात सुन भी रहे हो। ऐसा कहां पे पॉसिबल होता है, आपके मोबाइल फोन में आप दोनों बात कर रहे होते हो एक साथ, सामने वाला बंदा भी बोल रहा होता है आप भी बोल रहे होते हो, आपकी उसकी बात सुनाई दे रही होती है उसे आपकी बात सुनाई दे रही होती है, दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। जहां पे फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि चैनल जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों को एक साथ सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, अगर उसकी ये कैपेबिलिटी है इट मींस दैट सिग्नल इज दैट चैनल इज फुल डुप्लेक्स चैनल, राइट। तो लेकिन यहां पे एक और बात लिखी है, द कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज शेयर्ड अमंग टू, इसका मतलब ये है कि जो भी इस चैनल की कैपेसिटी है, सपोज 2 Mbps इस चैनल की कैपेसिटी है, तो वो डिवाइड हो जाएगी दोनों में, यानी 1 Mbps की स्पीड से ये बंदा भेज सकता है और 1 Mbps की स्पीड से ये भेज सकता है, क्यों, क्योंकि चैनल की कैपेसिटी 2 Mbps है जो दो बंदों के बीच में डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, 1 Mbps इसको भी भेजने के लिए चाहिए, 1 Mbps इसको भी, क्योंकि एक टाइम पे दोनों सेंडर की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो जो चैनल की जो भी कैपेसिटी है वो दोनों के दरमियान डिवाइड हो जाती है, शेयर हो जाती है, राइट। बट दिस इज द बेस्ट मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, बेस्ट इन द सेंस कि ये दोनों तरीके से काम कर सकता है एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, जबकि हाफ डुप्लेक्स में वो भी दोनों तरीके से काम कर रहा है, पर एक टाइम पे या तो वो सिग्नल को भेज सकता है या रिसीव कर सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, यहां पे दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, जिस टाइम ये भेज रहा है उस टाइम सिग्नल इसको मिल भी रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। आई होप ये बेसिक ट्रांसमिशन मोड आपको समझ आ गए होंगे, आपको ये बेसिक बुनियादी लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।